अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी अखरोट का हलवा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे मैंने दूध को बॉईल कर लिया था, 1 किलो दूध लिया था मैंने। और अब मैं इसका फ्लेम ऑफ़ करके इसमें अखरोट डालूंगी। अखरोट मैंने 1 पाव जितने लिए हैं और अब मैं इसको आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। आधा घंटा हो चुका है, अब मैं इन अखरोट को निकाल रही हूँ अलग से और फिर मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल के इसको जूसर में डाल के ब्लेंड कर दूँगी। आप चाहें तो ग्राइंडर में इसको डाल के मोटा मोटा भी पीस सकते हैं। यहाँ पे मैंने फ्राई पैन लिया है लेकिन नहीं लेना चाहिए था मुझे, आप किसी बड़ी देगची में बना लीजिएगा। यहाँ पे मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ और अब मैं इसमें डालूँगी 4 हरी इलायची। इलायची को मैंने पहले क्रश कर लिया था और अब मैं इसको बस थोड़ा सा फ्राई करूँगी। फ्राई होने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी अखरोट का पेस्ट। और यहाँ पे मैं अखरोट का पेस्ट डाल रही हूँ और अब मैं इसको भी 2 से 3 मिनट फ्राई कर दूँगी ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। कलर चेंज होने के बाद अब मैं इसमें बचा हुआ दूध डाल दूंगी और मैं इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाऊंगी जब तक कि इसका दूध सूख जाए, क्योंकि अखरोट को गलने में बहुत टाइम लगता है। यहाँ पे पूरा दूध खुश्क हो चुका है और मैंने बीच में जो है वो देगची ले ली थी क्योंकि वो बहुत छोटा पड़ रहा था फ्राई पैन। और अब मैं इसमें डालूँगी चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखिएगा। और चीनी डालने के बाद मैं इसको मज़ीद पकाऊँगी और इसका चमचा हिलाते रहना है वरना ये नीचे लग के जल जाएगा। यहाँ पे देखिए इसका कलर ब्राउन हो चुका है तो अब मैं इसको बस डिश आउट कर दूँगी। डिश आउट करने के बाद मैंने इसको स्क्वायर शेप दे दिया है केक के जैसा और अब मैं इसको काटूँगी। और ये वाला स्टेप आप पे डिपेंड करता है, अगर आप ये करना चाहें ऐसे पीसेस तो करें वरना रहने दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेहंदी में इंटरेस्टेड हैं तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।